जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए यहाँ पर हिंदी व्याकरण के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। रोज़ आपके लिए क्लास लाई जाती है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर करवाए जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए दिए गए विकल्पों में से सटीक शब्द का चयन कीजिए। दूसरों का उपकार करने वाला, दूसरों का उपकार करने वाला के लिए आप एक शब्द में क्या कहेंगे बताइएगा। विधर्मी कहेंगे, परोपकारी कहेंगे या फिर दुभाषिया कहेंगे, परदेशी कहेंगे, क्या कहेंगे? क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। चार विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं। दूसरों का उपकार करने वाला के लिए आप एक शब्द में क्या कहेंगे, ये पूछा गया है आप सभी से। तो आपका सही आंसर है, उसके लिए कहेंगे परोपकारी। विकल्प नंबर बी वाला यहाँ पर सही आंसर है, परोपकारी आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आप सभी से यहाँ पर 31 पूछा गया है। क्या पूछा गया है कि छाती के बल चलने वाला के लिए एक शब्द क्या है? उरग है, भुजंग, कुरंग, तुरंग। 31 में आप सभी के लिए चयन करना है, 1231 में आप सभी का क्या होगा सही आंसर? छाती के बल चलने वाला के लिए एक शब्द में आप क्या कहेंगे ये बताना है। चार विकल्प आपके दिए गए हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है कि उसे उरग कहेंगे। क्या कहेंगे? उरग कहेंगे, विकल्प नंबर एक सही आंसर है। छाती के बल चलने के लिए उरग कहेंगे। भुजंग का अर्थ सांप, कुरंग का अर्थ हिरन और तुरंग का अर्थ होता है घोड़ा। उरग जो है सांप का पर्यायवाची माना जाता है, उरग। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, अतींद्रिय शब्द का आशय बताना है। क्या माना जाता है बताइएगा, इंद्रियों की पहुंच से बाहर या फिर इंद्रियों की रखवाली करने वाला या फिर इंद्रियों का स्वामी या फिर इंद्रियों के वश में रहने वाला। 32 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है कि अतींद्रिय शब्द का आशय बताना है, क्या माना जाता है। तो 32 का सही आंसर चयन करना है। तो अतींद्रिय का अर्थ होता है कि इंद्रियों की पहुंच से बाहर, अतींद्रिय बिल्कुल सही आंसर होगा। जबकि इंद्रियों को वश में करने वाला के लिए कहेंगे इंद्रजीत। इंद्रजीत किसे कहेंगे? जो इंद्रियों को वश में करने वाला हो, और अतींद्रिय उसे बोलते हैं जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो। जो अधिक बोलता है उसे क्या कहते हैं बताइए, उसे मितभाषी, मृदुभाषी, वक्ता, वाचाल। 33 में सही आंसर चयन करना है। जो अधिक बोलता है उसे आप एक शब्द में बताना है, क्या कहेंगे चयन करिएगा सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 33 यहाँ पर दिया गया है और 33 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है, उसे वाचाल कहेंगे। वाचाल आपका यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प नंबर डी वाला जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। जो अधिक बोलता है उसे वाचाल कहते हैं, जबकि कम बोलता है तो उसे मितभाषी कहते हैं, जो मधुर बोलता है तो उसे मृदुभाषी कहते हैं, और जो बोलने वाले को वक्ता कहते हैं, बोलने वाले को वक्ता कहा जाता है। जिसने मृत्यु को जीत लिया है कहलाता है अमरत्व है, या फिर मृत्युंजय, या फिर अभय दान, या फिर अभय मुद्रा। क्वेश्चन नंबर आप सभी से यहाँ पर 34 पूछा गया है। जिसने मृत्यु को जीत लिया है वह कहलाता है, क्या कहलाता है ये दिया गया है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा मृत्युंजय। बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर दो जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्या पूछा गया है यहाँ पर दिया गया है। 35वां क्वेश्चन है, जो शीघ्र ही किसी बात या युक्ति को सोच ले उसे कहेंगे। 35 में आप सभी का यहाँ पर चयन करना है, क्या होगा जिस बताइए, जो शीघ्र ही किसी बात या युक्ति को सोच ले उसे कहेंगे, क्या कहेंगे? क्वेश्चन नंबर 35 यहाँ पर दिया गया है और 35 में आप सभी का सही आंसर है, उसे कहेंगे प्रत्युत्पन्नमति। विकल्प नंबर सी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। ऐसी जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, ना बहुत गर्म ना बहुत ठंडा क्या कहलाता है बताइएगा। 36वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और 36 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है कि ना बहुत गर्म और ना बहुत ठंडा उसके लिए कहते हैं, क्या कहते हैं? तो 36 में सही आंसर होगा समशीतोष्ण कहते हैं। समशीतोष्ण विकल्प नंबर सी वाला विकल्प यहाँ पर सही आंसर होगा। समशीतोष्ण जिन्होंने भी चयन किया है
उसे जो है उनका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया गया 37। 37वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि अन्य मनस्क शब्द का आशय क्या है। जिसका मन अपनी ओर हो, जिसका मन किसी दूसरी ओर हो, जिसका मन निर्मल हो, जिसका मन केंद्रित हो, बताइए। अन्य मनस्क शब्द का सही आशय आप सभी के लिए बताना है क्या माना जाएगा। तो 37 में सही आंसर आ रहा है जिसका मन किसी दूसरी ओर हो, विकल्प नंबर बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प नंबर दो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, जो मापा ना जा सके। इसके लिए सही अर्थ आपके लिए बताना है, जो मापा ना जा सके उसके लिए क्या कहेंगे, अमानक कहेंगे या फिर अपरिग्रह कहेंगे, अपरिमेय कहेंगे, अतुल्य कहेंगे। 38 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, 38 में आप सभी का यहाँ पर क्या होगा सही आंसर, जो मापा ना जा सके उसका सही आंसर यहाँ पर सही आंसर है, इसके लिए कहेंगे अपरिमेय। अपरिमेय यानी कि विकल्प नंबर सी वाला जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही अपरिमेय आपका सही आंसर है। और जो मापा जा सके उसके लिए परिमेय कहेंगे। वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ वो कहलाएगा, क्या कहलाएगा, क्वेश्चन नंबर 39 में अन्योदर है, दूरस्थ, औरस या फिर सहोदर। 39 में चयन करना है क्या होगा सही आंसर। वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है राजीव जी, अनिल जी, लवली जी, क्या है सही आंसर, विकल्प नंबर एक होगा सही आंसर अन्योदर। अन्योदर आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, जबकि एक ही माता से उत्पन्न संतानों को सहोदर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर आप सभी से यहाँ पर 40 पूछा गया है, मोक्ष की इच्छा रखने वाला के लिए उपयुक्त शब्द क्या है। 40 में चयन करना है, बताइएगा। मोक्ष की इच्छा रखने वाला के लिए निर्माण कहेंगे, मुमूर्षु कहेंगे, मुमुक्षु कहेंगे, जिज्ञासु कहेंगे। 40वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और 40 में अनंत जी, तनु जी, रविंद्र जी आप सभी का सही आंसर है, मुमुक्षु कहेंगे। विकल्प नंबर सी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आप सभी से यहाँ पर दिया गया है सभी के लिए 41वां क्वेश्चन है, जिसका जन्म पहले हुआ हो उसके लिए एक शब्द में अग्रज, ज्येष्ठ, वरिष्ठ, श्रेष्ठ, 41 में बताना है क्या कहेंगे, बताइएगा। चयन करना है सभी के लिए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, जिसका जन्म पहले हुआ हो वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द का विकल्प चयन करना है, तो अग्रज कहेंगे, क्या कहेंगे, अग्रज, विकल्प नंबर आप सभी का ये वाला जो है वह यहाँ पर सही आंसर है, अग्रज आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आप सभी से यहाँ पर क्वेश्चन 42 दिया गया है, 42वां क्वेश्चन है, सभी को बताना है इसका आंसर। आजानुबाहु शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए जो है प्रयुक्त है, सही है, जिसकी भुजाएं छोटी हो या फिर जिसकी भुजाएं लंबी हो, जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। 42वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, 42 में आप सभी के लिए चयन करना है सही आंसर क्या होगा, चयन करिएगा सभी लोग। आजानुबाहु का आपके लिए बताना है वाक्यांश कौन सा होगा, तो जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो, विकल्प नंबर सी वाला यहाँ पर सही आंसर होगा, सी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर लगाते हैं, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, देखिएगा, जो पूजा के योग्य हो उसे क्या कहा जाएगा। जो पूजा के योग्य हो पूजनीय कहा जाएगा, पूज्य कहा जाएगा, पूजनीय कहा जाएगा, पूजनीय कहा जाएगा, ये चार विकल्प यहाँ पर हैं। क्वेश्चन नंबर 43 यहाँ पर दिया गया है, जो पूजा के योग्य हो उसे क्या कहेंगे। पंकज जी, राखी जी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा है सही आंसर, विकल्प नंबर आप सभी का बी, पूज्य होगा सही आंसर, पूज्य कहेंगे उसे के लिए, जो पूजा की योग्य उसे पूज्य कहा जाएगा, तो बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन आपसे यहाँ पर अगला क्या पूछा गया है यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका 43 हो गया, 44वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 44। देखिए क्वेश्चन नंबर 44 यहाँ पर दिया गया है,
यहाँ पर पूछा गया है कि वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो के लिए क्या कहेंगे। क्वेश्चन नंबर आप सभी से यहाँ पर 44 पूछा गया है, 44 में सही आंसर चयन करना है, क्या होगा सही आंसर बताइए, चयन करिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है, क्या आ रहा है सही आंसर, विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर डी सही आंसर होगा, डी वाला आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, आ गमिष्यत पतिका, विकल्प नंबर आप सभी का डी वाला जो है वह यहाँ पर सही आंसर होगा, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने सही आंसर चयन किया है। जबकि वह स्त्री जिसका पति परदेश से लौट आया हो उसे कहेंगे क्या कहेंगे, आगत पतिका कहा जाता है, और जिसका वह स्त्री जिसका पति विदेश चला गया हो तो उसे क्या कहेंगे, प्रोषित पतिका कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर आप सभी से नेताजी यहाँ पर पूछा है 45, जिसका कोई शत्रु पैदा ही नहीं हुआ हो उसे क्या कहेंगे बताइए, आजानु बाहु, या फिर अजात शत्रु, अज्ञात शत्रु, अजात पूर्व। 45 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है क्या होगा सही आंसर, चयन करिएगा 45 में सही आंसर क्या होगा, जिसका कोई शत्रु पैदा ही नहीं हुआ हो उसे क्या कहेंगे, तो अजात शत्रु, बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, अजात शत्रु आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, कृतघ्न शब्द का सही अर्थ बताना है, कृतघ्न शब्द का सही अर्थ क्या होता है बताइए, कृतघ्न शब्द का सही अर्थ बताना है, चयन करिएगा सभी लोग, महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है कि कृतघ्न शब्द का जो सही अर्थ होता है वह होता है जो उपकार नहीं करता, जो किए हुए उपकार को नहीं मानता, या फिर जो शत्रु को जीत लेता, या फिर जो मित्रता को नहीं मानता, कृतघ्न का सही अर्थ होता है जो किए गए उपकार को नहीं मानता, बी वाला विकल्प आपका सही आंसर लगा दें, बहुत बढ़िया, कुमुद जी, दीपक जी, सभी लोगों ने जिन्होंने बी चयन किया है उनका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 47वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि गतानुगतिक, गतानुगतिक शब्द का सही अर्थ क्या होता है, प्राचीन आदर्श के अनुसार चलने वाला, पीछे चलने वाला, अनुसरण करने वाला, या गत को नहीं मानने वाला, 47 में चयन करना है, 47 में आप सभी का क्या होगा सही आंसर, गतानुगतिक शब्द का सही अर्थ बताना है, चार विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं और आप सभी का यहाँ पर 47 में सही आंसर आ रहा है, अंश जी, विकल्प नंबर आपका एक, प्राचीन आदर्श के अनुसार चलने वाला, ये वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले, उस वाक्यांश के लिए आप एक शब्द में क्या कहेंगे उसे बताइएगा, 48 में चयन करना है, चार विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं, 48वां क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा यहाँ पर विकल्प नंबर एक, यानी कि अधियोड़ा, अधियोड़ा जो है वह आप सभी का यहाँ पर विकल्प नंबर एक जो है वह आप सभी का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा क्या पूछा गया है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 49 यहाँ पर दिया गया, जिसने ऋण चुका दिया हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द में आप उसे क्या कहेंगे बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 49 यहाँ पर दिया गया है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन, एक बार बस लाइक कर लीजिएगा जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है बताइए, जिसने ऋण चुका दिया हो उसे एक वाक्य में आप क्या कहेंगे, एक शब्द में क्या कहेंगे ये बताना है, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है उसे कहेंगे, सुनैना जी, विकल्प नंबर आपका बी सही आंसर है, उरण कहेंगे, उरण क्या कहेंगे, उरण कहेंगे, और जिसने परीक्षा पास कर ली हो तो उसे उत्तीर्ण कहेंगे, और जिस वस्तु का वजन ना के बराबर हो तो उसे भारहीन कहेंगे, और जो वस्तु मिट्टी की बनी हो तो उसे मृण्मय कहेंगे, इस प्रकार जो है यहाँ पर चारों के आंसर बता दिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आप सभी से यहाँ पर पूछा गया है 50वां क्वेश्चन, दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था, वाक्यांश के लिए एक शब्द में आंसर बताइएगा क्या होगा सही आंसर बताइए, भंडारा, या फिर दातव्य, या फिर सदाव्रत, या फिर धर्मार्थ, 50 में चयन करना, दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था के लिए अंजू जी क्या होगा एक शब्द में सही आंसर चयन करना है, और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है सदाव्रत, यहाँ पर सही आंसर होगा सदाव्रत, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही,
देखिएगा दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था सदाव्रत, एक साथ बहुत लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था भंडारा, और धर्म की प्रतिज्ञा किया गया कार्य तो धर्मार्थ कहा जाता है उसके लिए। क्वेश्चन नंबर आप सभी से यहाँ पर दिया पूछा गया है 51वां क्वेश्चन की हाथी की पीठ पर रखे जाने वाले आसन के लिए एक शब्द क्या कहा जाता है, जीन, काठी, हौदा या फिर बख्तर, बताइए। हाथी की पीठ पर रखे जाने वाले आसन क्या होगा सही आंसर? हाथी की पीठ पर रखे जाने वाले आसन के लिए आप एक शब्द में कहेंगे हौदा। क्या कहेंगे? हौदा। विकल्प नंबर सी वाला जो विकल्प है वह यहां पर सही आंसर होगा, हौदा आपका सही आंसर है। घोड़े की पीठ पर रखे जाने वाली गद्दी को जीन कहते हैं, क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। और लोहे के जाल का कवच को बख्तर कहा जाता है। ऊंटों घोड़ों आदि की पीठ पर कसने की जीन जिसमें नीचे काठ लगा रहता है काठी कहलाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, जिसका निवारण ना हो सके उसे क्या कहेंगे? क्वेश्चन नंबर 52 यहाँ पर पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 52 में आप सभी के लिए चयन करना है क्या होगा सही आंसर, जिसका निवारण ना हो सके के लिए एक शब्द में आप कहेंगे अनिवार्य। विकल्प नंबर डी वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, अनिवार्य आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। जिसका निवारण ना हो सके के लिए एक शब्द में अनिवार्य कहेंगे, और जिसका निर्णय ना हो सके उसके लिए क्या कहेंगे? अनिर्णीत। और जो विकल ना हो ज्यों का ज्यों विकल कहलाता है, जो अविकल कहलाता है अविकल। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, जल में रहने वाला प्राणी के लिए एक शब्द क्या कहेंगे? जलज कहेंगे, जलनिधि कहेंगे, जलचर कहेंगे, जलधर कहेंगे, क्या कहेंगे बताइएगा, चयन करिएगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी से यहाँ पर 53वां क्वेश्चन पूछा गया है, और 53 में आप सभी का सही आंसर है जलचर कहेंगे। जल में रहने वाले प्राणी के लिए जलचर बिल्कुल सरल क्वेश्चन है, जबकि जल में जन्म लेने वाले को जलज कहेंगे, और जल को धारण करने वाले के लिए जलधर कहेंगे, जलधर। जिसके पास कुछ ना हो के लिए एक शब्द है क्या कहेंगे? अक्षम कहेंगे, अकिंचन, अज्ञ या फिर असमर्थ, बताइए। क्वेश्चन नंबर 54 में सही आंसर चयन करना है, 54 में सही आंसर आप सभी का क्या होगा सही आंसर बताइए। जिसके पास कुछ ना हो के लिए एक शब्द में आप उसे क्या कहेंगे? तो विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर बी सही आंसर है, आकिंचन कहेंगे। आकिंचन यहाँ पर सही आंसर है, जबकि कुछ करने की क्षमता ना हो तो उसे अक्षम कहेंगे, और जो कुछ नहीं जानता तो उसे अज्ञ कहेंगे, और जिसमें सामर्थ्य नहीं है तो उसके लिए असमर्थ कहेंगे, जिसमें सामर्थ्य नहीं है। जो परीक्षा में उत्तीर्ण ना हो उसे असफल कहेंगे, अनुत्तीर्ण कहेंगे, अयोग्य कहेंगे या फिर अवनति कहेंगे बताइए। और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है आनंद जी, अर्चना जी, पूर्णिमा जी, क्या होगा सही आंसर? तो जो परीक्षा में उत्तीर्ण ना हो तो उसे अनुत्तीर्ण कहेंगे, क्या कहेंगे? अनुत्तीर्ण कहेंगे। विकल्प नंबर बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, जो परीक्षा में पास हो तो उसे उत्तीर्ण कहेंगे। हमेशा रहने वाला शब्द बतलाइए, हमेशा रहने वाला एक शब्द बतलाइए, शाश्वत, समसामयिक, प्राणदा या फिर पार्थिव। 56वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, और 56 में आप सभी का सही आंसर आ रहा है कि विकल्प नंबर हमेशा रहने वाला के लिए तो क्या कहेंगे? 56 में चयन करना है शाश्वत कहेंगे, क्या कहेंगे? शाश्वत कहेंगे, बिल्कुल सही। एक ही समय में परिवर्तन समसामयिक कहेंगे, एक ही समय में परिवर्तन। प्राण देने वाली औषधि को प्राणदा कहेंगे, और पार्थिव किसके लिए कहते हैं? पार्थिव कहते हैं जो पृथ्वी से संबंधित हो, जो पृथ्वी से संबंधित हो तो उसे पार्थिव कहेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन आपका यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर अगला यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका अब जो है मुहावरे और लोकोक्ति प्यार आ गए हैं, तो चलिए देख लेते हैं, मुहावरों को पढ़ लेते हैं। तन पर नहीं लगता पान खाएं अलबत्ता, इस लोकोक्ति का अर्थ बताना है क्या होगा? झूठा दिखावा करना, शौकीन व्यक्ति, अभावग्रस्त जीवन या फिर कथनी करनी में अंतर। मुहावरे लोकोक्तियों से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे, जल्दी से एक बार बस लाइक कर लीजिएगा जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है। हिंदी साहित्य में टॉप 3000 प्रश्न की पीडीएफ जिनके लिए भी चाहिए हो संपर्क कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन पर चल रहा है।
मात्र 199 रुपये में तन पर नहीं लगता, पान खाए अलबत्ता झूठा दिखावा करना। विकल्प नंबर एक आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही। अब लोकोक्ति किसे कहते हैं, देखिएगा लोकोक्ति को पढ़ लेते। किसी विशेष स्थान पर प्रसिद्ध हो जाने वाले कथन को लोकोक्ति कहते हैं। दूसरे शब्दों में या यूं कहें, जब कोई पूरा कथन किसी प्रसंग विशेष में उद्धृत किया जाता है तो लोकोक्ति कहते हैं। लोकोक्ति शब्द जो है लोक धन उक्ति शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है लोक में प्रचलित उक्ति या कथन। अगला क्वेश्चन यहां पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आप सभी से यहाँ पर 58 पूछा गया है। स्वार्थी व्यक्ति की मित्रता अल्पकालिक होती है, इस अर्थ के लिए इनमें से लोकोक्ति बताना है। एक ही लाठी से सबको हांकना, या फिर एक तो करेला दूसरा नीम चढ़ा, ओछे की प्रीत बालू की भीत, या फिर घर पर जोगी जोगना आन गांव, घर का जोगी जोगना आन गांव का सिद्ध, बताइए क्या होगा सही आंसर। चयन करना है, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। और आप सभी का यहाँ पर बबीता जी सही आंसर है, अप्रैल सोनी जी। क्वेश्चन नंबर 58 में चयन करना है, सी सही आंसर है कि ओछे की प्रीत बालू की भीत, आप सभी का सही आंसर होगा। स्वार्थी व्यक्ति की मित्रता अल्पकालित होती है, इस अर्थ को प्रयुक्त जो लोकोक्ति है ओछे की प्रीत बालू की भीत आपका सही आंसर है। एक ही लाठी से हाँकना, तो इसका अर्थ ये होता है कि सभी को एक जैसा समझकर व्यवहार करना। एक तो करेला दूसरा नीम चढ़ा, इसका अर्थ होता है कुटिल स्वभाव वाले मनुष्य बुरी संगत में पड़कर और बिगड़ जाते हैं। घर का जोगी जोगना आन गांव का सिद्ध, इसका अर्थ होता है अपने गांव घर की अपेक्षा नेत्र अधिक सम्मान। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आप सभी से यहाँ पर पूछा गया है, 59वां क्वेश्चन है। अधोलिखित में से सूक्ति परक वाक्य या सूक्ति नहीं है, बताइए क्या होगा सही आंसर, बताइएगा, चयन करिएगा सभी लोग। यहाँ पर 59वां क्वेश्चन है, अग्नि स्वर्ण को परखती और संकट वीर पुरुषों को, अज्ञान से बढ़कर कोई अंधकार नहीं है, अंधे की लकड़ी सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताकि हृदय आप। तो यहाँ पर आपके लिए बताना है कि सूक्ति परक वाक्य या सूक्ति नहीं है, तो आप सभी का सी सही आंसर, अंधे की लकड़ी, अंधे की लकड़ी आप सभी का सही आंसर है, बिल्कुल सही। एक अंधे की लकड़ी एकमात्र सहारा, जिसका अर्थ होता है ये हिंदी का एक प्रसिद्ध मुहावरा माना जाता है। निम्नलिखित में से मुहावरा बताना है, बताइए सावन हरे न बाधो सूखे, या फिर भाड़े का टट्टू, एक पंथ दो काज, या चिराग तले अंधेरा, बताइए इनमें से आपको मुहावरा बताना है कौन सा मुहावरा है। क्वेश्चन नंबर 60 यहाँ पर दिया गया है, और 60 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, विशाल जी भाड़े का टट्टू यहाँ पर विकल्प नंबर बी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। बी वाला विकल्प जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही। भाड़े का टट्टू जो है किराए का आदमी, इसका जो है ये मुहावरा है, बिल्कुल सही आंसर है, बहुत बढ़िया। एक पंथ दो काज, एक कार्य करते समय दूसरा कार्य भी हो जाना, इसके लिए कहेंगे एक पंथ दो काज। और सावन हरे न भादों सूखे, इसका अर्थ होता है कि सदा एक समान या सदा एक सा रहना। चिराग तले अंधेरा, अपनी बुराई दिखाई ना देना, ये जो है चिराग तले अंधेरा। क्वेश्चन नंबर आप सभी से यहाँ पर 61 पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ गलत है। मुंह छिपाना गायब होना, कान बनना पीठ पीछे शिकायत करना, दांत काटी रोटी गहरी दोस्ती, सिर उठाना विरोध में खड़ा होना। तो यहाँ पर आपके लिए बताना है किस मुहावरे का अर्थ गलत है, गलत चयन करना है, क्या होगा सही आंसर। और आप सभी का यहां पर सही आंसर आ रहा है, मुंह छिपाना गायब होना, विकल्प नंबर एक वाला जो है वह आप सभी का यहां पर सही आंसर है, बिल्कुल सही। विकल्प नंबर एक आपका मुंह छिपाना गायब होना, ये गलत हो जाएगा। मुंह छिपाना यानी कि लज्जित होना, इस प्रकार जो है आपका सही आंसर है। फूक फूक कर पैर रखना, इस मुहावरे का अर्थ बताना है क्या माना जाता है। फूक फूक कर पैर रखना, इस मुहावरे का अर्थ है डर कर कदम बढ़ाना, धीरे धीरे चलना, सोच विचार कर काम करना, या सावधानी पूर्वक चलना। 62 में आप सभी के लिए चयन करना है, 62 में बताइए
फूक फूक कर पैर रखना, इस मुहावरे का आशय होता है कि सोच विचार कर काम करना। विकल्प नंबर सी वाला आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। लोकोक्ति के संबंध में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? लोकोक्ति को कहावत भी कहते हैं। लोकोक्ति पूर्ण वाक्य नहीं होती है। लोकोक्ति में अविधेयार्थ और व्यंग्यार्थ दोनों होते हैं। लोकोक्ति स्वाभाविक कथन पर आधारित होती है। तो लोकोक्ति के संबंध में असत्य कथन बताना है। तो क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन नंबर 63 यहाँ पर दिया गया है। और लोकोक्ति के संबंध में असत्य कथन है कि लोकोक्ति पूर्ण वाक्य नहीं होती, ये वाला असत्य हो जाएगा। बिल्कुल सही, विकल्प नंबर बी आपका सही आंसर है। लोकोक्ति के पीछे कोई कहानी या घटना होती है जो है, ये कथन सत्य है। लोकोक्ति वाक्यांश न होकर स्वतंत्र वाक्य होती है। लोकोक्ति में पूरे कथन को किसी विशेष प्रसंग से उद्धृत किया जाता है। लोकोक्ति एक प्रकार से कहावत भी होती है। लोकोक्ति में अविधेयार्थ और व्यंग्यार्थ दोनों होते हैं। लोकोक्ति जो है स्वाभाविक कथन पर आधारित होती है। हाथ कंगन को आरसी क्या, लोकोक्ति का अर्थ बताइए। अहंकार की बातें करना, शक्तिमान की विजय, प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण क्या, या सिद्धांतहीन मनुष्य। 64 में चयन करना है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हाथ कंगन को आरसी क्या, इस लोकोक्ति का अर्थ बताना है। तो 64 में आप सभी का सही आंसर, प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण क्या, विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर सी सही आंसर होगा। सी वाला विकल्प आपका सही आंसर है पंकज जी। यहाँ पर अगला क्वेश्चन, यहाँ पर एक क्वेश्चन जो है अपना ये वाला थोड़ी सा कैसा है, गड़बड़ लग रहा है। निम्नांकित में से मुहावरा बताना है, यहाँ पर पूछा गया था कि मुहावरे कौन से। तो यहाँ पर तो सभी जो है मुहावरे लग रहे हैं। सावन हरी नभादों सूखे बाड़े का टट्टू, एक पंथ दो काज, चिराग तले अंधेरा, सभी जो है यहाँ पर मुहावरे हैं। इसमें ये क्वेश्चन जो है थोड़ी सा गड़बड़ हो गया है। 60 में तो सभी आपका यहाँ पर सही आंसर, इसको सुधार लें। आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आप सभी से यहाँ पर पूछा है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आप सभी से यहाँ पर दिया गया है, कौन सा 65वां क्वेश्चन है। निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करिएगा जो दी गई लोकोक्ति का सही अर्थ हो, यानी कि आग लगनते झोपड़ा जो निकले सो लाभ। बताइए, नुकसान होते होते जो कुछ बच जाए वही बहुत है, बहुत बड़बड़ कर बातें वो करना, उद्योगी को ही धन मिलना या फिर लेने का देना। यहाँ पर आपसे पूछा इसका अर्थ बताना, आग लगनते झोपड़ा जो निकले सो लाभ, इसमें आपका इसका अर्थ बताना है। बताइए, चयन करिएगा सभी लोग। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी लोग लाइक नहीं किए हैं अभी तक, क्या बात है, जल्दी से एक बार लाइक कर लीजिएगा। 65 में आपका विकल्प नंबर ए वाला सही आंसर है, नुकसान होते होते जो बच जाए, जो कुछ भी बच जाए वही बहुत है। विकल्प नंबर आप सभी का एक सही आंसर होगा, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आप सभी से यहाँ पर 66 पूछा है। यहाँ पर इस मुहावरे का अर्थ बताना है कि अंजर पंजर ढीला होना, तर्क करना या टालम टोल करना, या फिर अनाड़ी आदमी को सफलता प्राप्त होना, मौत निकट आना, या शरीर शिथिल होना, या बहुत थक जाना, अंजर पंजर ढीला होना। बताइए, चयन करना है सभी के लिए। क्वेश्चन नंबर आप सभी से यहाँ पर पूछा गया है, कौन सा यहाँ पर 66वां क्वेश्चन दिया गया है, अंजर पंजर ढीला होना, शरीर शिथिल होना, या बहुत थक जाना। विकल्प नंबर आप सभी का डी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है अनिल जी, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पंकज जी देखिएगा, अगर मगर करना यानी कि तर्क करना, टालम टोल करना, अंधे के हाथ बटेर लगना, अनाड़ी आदमी को सफलता प्राप्त होना, अंतिम घड़ी आना, मौत निकट आना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, लोकोक्ति का अर्थ बताना कि अंधों की आंगी रोना, अपना दीदा खोना। बताइए, अंधों की आंगी रोना, अपना दीदा खोना, इसका अर्थ है अपने घर या गली मोहल्ले में बहादुरी दिखाना, या फिर आमदनी से अधिक खर्च, अपनी इज्जत अपने हाथ होती है, मूर्खों को सदुपदेश देना, या अच्छी बात बताना व्यर्थ है। अंधों की आंगी रोना, अपना दीदा खोना, इसका सही अर्थ बताना है। तो 67 में आप सभी का सही आंसर है, मूर्खों को सदुपदेश देना या फिर अच्छी बात बताना व्यर्थ है। विकल्प नंबर आप सभी का जो डी है वह यहाँ पर सही आंसर होगा, डी वाला विकल्प आपका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, क्या पूछा है,
यहाँ पर अगर पूछा जाए ना सावन सूखा ना बाँधों हरा, इसका अर्थ होता है सदैव एक सा रहना, नदी नाव संयोग थोड़े समय का साथ, फिसल पड़े तो हर गंगा, मजबूरी से विवश होकर काम करना, बंदर के गले में मोतियों की माला यानी कि निर्गुणी के पास गुणवान का होना। जो 60 में जो क्वेश्चन पूछा गया था वहां पर मुहावरा बताना था, एक मुहावरा दिया था, बाकी और क्या दी थी, लोकोक्ति दी थी, कौन सी, ना सावन सूखा ना बाधो हरा, और भी जो है 3 विकल्प में लोकोक्ति थी, एक विकल्प में जो है आपका क्या था, मुहावरा था। तो इस प्रकार जो है पूछा गया था वहां पर। क्वेश्चन नंबर आप सभी से 68 यहां पर दिया गया है कि उड़ती चिड़िया को पहचानना, इसका अर्थ क्या होता है बताइएगा, मन की या रहस्य की बात तुरंत जानना, अनहोनी या लीक से हटकर बात करना, या फिर फिक्र या चिंता करना, या फिर दूसरों को नीचा दिखाने के प्रयास में स्वयं नीचा देखना, उड़ती चिड़िया को पहचानना। हाँ बिल्कुल पंकज जी, ये क्वेश्चन जो है देखिएगा अभी हाल ही में 2021 में ये क्वेश्चन DSSB PGT TGT में क्वेश्चन पूछे गए, ये क्वेश्चन पूछे ही गए किसी न किसी परीक्षा में, मन की रहस्य की बात तुरंत जानना, ये जो है उड़ती चिड़िया को पहचानना इसका अर्थ होता है, ऊंचा सुनना यानी कि कम सुनना, एक अनार 100 बीमार, आवश्यकता से अधिक मांग। आगे बढ़ते हैं, और लोकोक्ति यहाँ पर दी गई है, कौन सी दी गई है कि ओस चाटे प्यास नहीं बुझती, ओस चाटे प्यास नहीं बुझती, ओस जानते हैं, ओस किसे कहते हैं, ओस बताइए इसका अर्थ क्या होता है, लोकोक्ति है, बड़े काम के लिए विशेष प्रयत्न की आवश्यकता होती है, एक कष्ट पर दूसरा कष्ट, दोनों और मुसीबत, मूर्ख किंतु धनवान, उस चाटे प्यास नहीं बुझती, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प नंबर ए वाला, यहाँ पर सही आंसर है, बड़े काम के लिए विशेष प्रयत्न की आवश्यकता होती है, विकल्प नंबर एक आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, बहुत बढ़िया, विकल्प नंबर एक जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आप सभी से यहाँ पर पूछा गया है, कौन सा यहाँ पर अगर पूछा जाए, किसी का घर जले कोई तापे, किसी का घर जले कोई तापे, दुखी किसी के दुख में किसी का खुश होना, ये जो है इसका अर्थ होता है, जबकि कूट के बल बछड़ा कूदे यानी कि दूसरे के बल पर काम करना, गई गई मांगने पूत खो गई, खो आई भरतार, थोड़े लाभ के चक्कर में अधिक नुकसान, गोद में लड़का सर में ढिंडोरा, वस्तु के पास हो लेकिन उसकी तलाश दूर तक हो। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 70वां क्वेश्चन दिया गया है, देखिए निम्नलिखित में से यहाँ पर भी लोकोक्ति दी गई है, अब की अब जबकि जबकि साथ, इसका अर्थ क्या होता है बताइए, बिल्कुल अंश जी अपन देखते हैं जो है ठंडी में जो कोहरा होता है, जो कोहरा जो है कोहरा होता है, और जो ठंडी में सुबह सुबह अपन उठते हैं तो जो बूंद होती है, जो उसकी बूंदें गिरती हैं, अपन बोलते हैं ना कि ओस गिर रही आज, तो जो पानी गिरता है थोड़ी थोड़ी सा, वही जो है उसी को ओस बोलते हैं। यहाँ पर आपके लिए बताने, अब की अब जब की जब के साथ, इसका अर्थ आपके लिए कमेंट में बताना, इसका सही अर्थ क्या होगा, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, आंसर कमेंट में आप जरूर बताएंगे। और आज के वीडियो में बस इतना ही, तो वीडियो को सभी लोग लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। आप सभी को बता दें कि हिंदी साहित्य में टॉप 3000 प्रश्न की PDF जो है मात्र 199 रुपये में अभी आप सभी के लिए मिल रही है, नंबर स्क्रीन पर चल रहा है, संपर्क कर सकते हैं। और हाँ अनिल जी, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में, आप सभी के बता दें एक क्लास आपको 10 बजे भी लाई जाती है, रात्रि में 10 बजे वाली क्लास में सभी लोग जुड़िएगा, सभी लोगों के लिए जुड़ना है 10 बजे वाली क्लास में, जो अभी तक नहीं जुड़ते थे सभी को बता दें हिंदी साहित्य की एक रात्रि में 10 बजे क्लास होती है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवाए जाते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, लाइक शेयर अवश्य कर लेंगे, जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया है बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।